जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात ऊंच नीच भेदभाव। और गांव-गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव-गांव में अंधविश्वास बहुत है। एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं, पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है, कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। ना कोई हिंदू बनने को तैयार है, ना हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरीशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहां की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है, तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सके। इस बात को लेकर के अब हमने ठाना है 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ, और हम सब हिंदू एक हैं इस बात की भिक्षा मांगेंगे। शेष आपके जो भी प्रश्न हो यात्रा से संबंधित, अथवा जो भी आपके मन में भाव हो, पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।